हाय बच्चों, मेरा नाम सीए नकुल कठेरिया है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ एक प्रोफेसर भी हूँ। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर मैं पढ़ाता हूँ। प्रोफेसर इंडिया में आप तभी बन सकते हैं जब आपने यूजीसी नेट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट पास करा हुआ हो। नेट बोले तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और आम नेट क्लियर प्रोफेसर, साथ साथ में आम जेआरएफ होल्डर। मैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप होल्डर भी हूँ, जो नेट एग्जाम के टॉप 5% कैंडिडेट होते हैं उनको जेआरएफ अवार्ड होती है। प्रेजेंटली आई एम परसुइंग माय पीएचडी, और साथ साथ में आई एम मास्टर्स इन कॉमर्स फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी, और बीकॉम ऑनर्स भी हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अभी एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अन अकेडमी एजुकेटर हूँ, और साथ साथ में दिल्ली और आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर एसोसिएट लेक्चरर भी हूँ। टीचिंग स्टाइल केवल एक फंडा, कॉन्सेप्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मार्क्स आने ही आने, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन सही होना ही होना है। हमारी क्लास, जो मेरी क्लास होती है ना, वो होता है एक ट्रेन। ट्रेन ऐसे घूम रही है गोल, जो जहां बैठ जाए वो ये समझ ले कि उसकी उसकी क्लास, उसका कोर्स वहां से स्टार्ट, वो गोल घूम के वापस से वहीं पर आ जाएगा, वो गोल घूम के वापस से वहीं पर आ जाएगा। ये ट्रेन है जी, आप कहीं भी बैठ जाए आपका पूरा चक्कर होगा। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। 1 से 10 तक होने हैं। जो 2 पे बैठ जाएगा उसका 2 से स्टार्ट, जो 3 पे बैठ जाएगा उसका 3 से स्टार्ट। क्लास का एक ही गोल रहता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, और हर दिन हर क्लास में बच्चा कुछ ना कुछ नया सीख के जाए। अगर नया सीख के जाएगा तभी तो वापस आएगा, ये चीज। और मेरा फेवरेट टॉपिक जो है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि अगर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आते तो अकाउंटिंग कहां आएगी। सबसे जरूरी चीज और मेरा फेवरेट टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि वो वेटेज में भी ज्यादा है और कॉन्सेप्चुअल वाइज भी अच्छा है। और मैं जो चीज करता हूं अलग, वो काफी सारी चीजें हैं। नंबर 1, क्लास के अंदर लाइव क्वेश्चन कराना। नंबर 2, हम सीए वाले बच्चे हैं, सीए वाले टीचर हैं, हम भैया बच्चों को देते हैं प्रूफ, और प्रूफ देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लाइव स्क्रीन शेयरिंग करना। और नंबर 3 जो मैं अलग करता हूं, कंप्लीटली रियल लाइफ डे टू डे एग्जांपल्स। लॉकडाउन का समय था, ये बात है मार्च 2020 की, मेरे पास एक कॉल आता है, सर हमें अकाउंट्स की फैकल्टी चाहिए। मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, बट हाँ लोगों के बीच में नाम था, मेरे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 थे, लेकिन तब भी मेरा कहीं मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म से था, कंप्लीटली ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से एकदम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना, ये मेरे लिए अन अकेडमी का कॉल आना। कॉल आने के बाद मेरे को एक दो वीडियो छोटी छोटी सबमिट करना, एंड देन इट ऑल स्टार्टेड। उसके बाद तो इंटरमीडिएट चालू करवाया, बेसिकली अन अकेडमी का उस टाइम सीए इंटरमीडिएट के अंदर अकाउंट्स की फैकल्टी की जरूरत थी। मैंने इंटरमीडिएट चालू करा, विद इन 2 मंथ्स मेरे को बोला गया सर आपको फाउंडेशन भी करना। फाउंडेशन स्टार्ट किया, बच्चों को समझ में आने लगते ही बात है, भीड़ बढ़ती गई, काम होता गया, कॉन्सेप्ट आते गए, रिजल्ट्स आते गए, बस इसी तरीके से चालू हुआ। जब जब आप लोगों के रिस्पांस, मेरे को बच्चे लोगों का ना रिस्पांस मिलते थे, सर आपने बहुत अच्छा कराया, हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, एग्जाम में हूबहू वही चीजें आई, द एग्जाम वाज क्लियरली सेम एज वी डिड इन माय क्लास, बस ये दिल खुश कर देता है। अन अकेडमी की जो सबसे खास बात मुझे लगती है वो है काफी सारे ऑप्शंस, जैसे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन, वॉइस चैट का ऑप्शन, लाइव क्लासेस विद चैट बॉक्स, अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग्स जितनी मर्जी बार देखो, और एक बच्चे के पास बहुत सारे टीचर्स के ऑप्शन, बहुत चीजें हैं अन अकेडमी के पास करने के लिए। तो बेटा ये मैं था सीए नकुल कठेरिया, और आप देख रहे थे मेरे को अन अकेडमी के एजुकेटर स्पॉटलाइट। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे से अकाउंटिंग पढ़ने के लिए, अकाउंटिंग गढ़ने के लिए, अकाउंटिंग खून में बिठाने के लिए आप अन अकेडमी ज्वाइन करें।
अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट